गुड मॉर्निंग हिमाचल, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं आपके साथ वंशिता शर्मा और पेश है आपके लिए मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन। कार दुर्घटना में दो सगे भाइयों समेत तीन की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मां शिकारी देवी के दर नवाया शीश। मेले के समापन पर विधायक राकेश जम्वाल ने नवाजे पहलवान। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान मंडी में फ्री शॉर्ट टर्म कोर्स, इच्छुक अभ्यर्थी करें आवेदन। और अब खबरें विस्तार से। तहसील नहराधार के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत भूतली मानल में रविवार देर शाम एक कार खाई में जा गिरी। हादसे में तीन लोगों की मृत्यु हो गई जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हुआ है। ये लोग शादी समारोह से लौट रहे थे। दुर्घटना की सूचना मिलते ही गांव में शादी समारोह की खुशियां मातम में तब्दील हो गई। दुर्घटना में मारे गए व्यक्तियों में दो सगे भाई कमल राज आयु 50 वर्ष, सुदर्शन आयु 48 वर्ष, पुत्र जगत राम ग्राम भूटली व एक अन्य व्यक्ति राकेश कुमार आयु 50 वर्ष लाना बसाली दीदक गांव शामिल है। ओम प्रकाश को सोलन रेफर किया गया है। तहसीलदार नहराधार अरुण शर्मा ने बताया कि मृतक के परिजनों को 20-20 हजार रुपए की फौरी राहत दी गई है। एएसपी सिरमौर बबीता ने बताया कि हादसे की जांच जारी है। दिव्य हिमाचल जल्द लेकर आ रहा है डांस हिमाचल डांस सीजन 8, ब्रॉट यू बाय अर्न यूनिवर्सिटी, इवेंट पार्टनर टेरेंस लुइस प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट मुंबई। अगर आप में भी है नृत्य की कला तो गौर फरमाइए, आपके टैलेंट को दिव्य हिमाचल देगा मंच। 10 जून से प्रदेश भर में ऑडिशंस शुरू। मेगा प्राइज टीवीएस जुपिटर और जीतें कई आकर्षक उपहार, साथ ही पाएं टेरेंस लुइस प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट में स्कॉलरशिप। सभी पार्टिसिपेंट्स को मिलेगी अर्नी यूनिवर्सिटी की ओर से स्पेशल एजुकेशनल स्कॉलरशिप। अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहें दिव्य हिमाचल समाचार पत्र या देखते रहें दिव्य हिमाचल टीवी। डांस हिमाचल डांस की हर अपडेट के लिए लाइक करें डांस हिमाचल डांस का फेसबुक पेज। बने रहिए हमारे साथ। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर परिवार सहित सोमवार को अपनी कुलदेवी मां शिकारी देवी के चरणों में शीश नवाने तथा पूजा अर्चना करने के लिए उड़न खटोले से पहुंचे। मुख्यमंत्री के साथ उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर साधना ठाकुर तथा बेटी भी मौजूद रही। मंदिर में आशीर्वाद के रूप में माता की चुनरी उन्हें भेंट की गई। मंदिर में इन दिनों रोजाना हजारों श्रद्धालु इस रमणीक धार्मिक स्थल में पहुंच रहे हैं। करसोग से लगभग 18 किलोमीटर दूर तथा जंजहली से लगभग 16 किलोमीटर की दूरी पर मां शिकारी देवी का मंदिर ऊंची पहाड़ी पर स्थित है, जहां पर सड़क के माध्यम से भी पहुंचने की सुविधा उपलब्ध हो चुकी है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि जंजहली सुंदर घाटी है तथा पर्यटकों का आवागमन निरंतर इस क्षेत्र की तरफ बढ़ता जा रहा है। आपने आज शिकारी देवी का जो है माता शिकारी देवी के मंदिर में भी आप गए हैं, शीश निभाया है और पर्यटन महोत्सव जो जंजाली में चला हुआ है उसके समापन में भी आप करेंगे। पर्यटन को लेके क्या क्या संभावनाएं हैं और क्या योजनाएं? देखिए, एक तो शिकारी माता जाकर के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और मेरी कुल देवी है, मैं आता रहता हूँ वहाँ पर। और आज कुछ डेवलपमेंट के काम भी वहाँ पर हमने देखने थे, वो भी देखे हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि कोविड के बाद बहुत अच्छा रुझान टूरिस्ट का आने का हुआ है। पर्टिकुलरली वहाँ पर दो तरह का टूरिस्ट आता है, धार्मिक टूरिस्ट भी आता है और दूसरा घूमने की दृष्टि से वहाँ के जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसको देखने के लिए भी आते हैं। और उसी के साथ साथ में मुझे इस बात की भी खुशी है कि आज जंजैली में यहाँ आकर के जल शक्ति विभाग के इंस्पेक्शन हट का भी यहाँ पर इनॉग्रेशन करने का अवसर प्राप्त हुआ और ये भी एक टूरिज्म के क्षेत्र में अपना योगदान देगा, क्योंकि जहाँ जंजैली में बहुत बड़ी संख्या में टूरिस्ट आता है तो ठहरने की कमी थी, वहाँ पर सुविधाओं की कमी थी और एक सुविधा इसके माध्यम से जो टूरिस्ट को मिलेगी उसके कारण टूरिस्ट को एक बहुत बड़ा जो है वो बूस्ट मिलने की संभावना है। और हम जंजैली में जो हमारा एडीबी का जो हमारा प्रोजेक्ट है, लगभग 20 करोड़ की लागत से वो बन करके तैयार हो गया है और पिछले कल ही हमने उसको फंक्शनल करने के लिए जो मीटिंग करनी थी, क्योंकि हमने उसको आगे लीज पर जो है वो आउटसोर्स किया है इसके लिए क्लब महिंद्रा को, और क्लब महिंद्रा वालों के साथ हमने कहा है कि उसको जुलाई अंत तक
हर हालत में उसको जो है वो टूरिस्ट के लिए खोल दिया जाए। टीएमटी प्लस वाटर टैंक की दीवारें मोटी परत की होने के कारण मजबूत होती हैं, जिसकी वजह से एक्सट्रीम सर्दी या गर्मी में भी वाटर टैंक को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। सुंदरनगर उपमंडल की विख्यात शक्तिपीठ श्री शीतला माता मंदिर भवन कलौहर सुंदरनगर में आयोजित जागरण व कुश्ती के अंतिम दिन रविवार को मंदिर परिसर में विशाल महादंगल का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में दंगल प्रेमियों ने शिरकत की। समापन अवसर पर महादंगल में सुंदरनगर के विधायक राकेश जम्बाल द्वारा शिरकत करते हुए विजेता पहलवानों को सम्मानित किया गया। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान मंडी के प्रधानाचार्य इंजीनियर शिवेंद्र डोगर ने बताया कि हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम के सौजन्य से राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान मंडी में कंस्ट्रक्शन इलेक्ट्रीशियन LV, ICT टेक्नीशियन लेवल, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रीशियन लेवल, फूड एंड बेवरेज सर्विस स्टूअर्ड लेवल, मल्टी क्यूजीन कुक, रूम अटेंडेंट, ऑटो सर्विंग टेक्नीशियन लेवल, फील्ड टेक्नीशियन, एयर कंडीशनर, डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर, सेल्फ एम्प्लॉयड टेलर, स्विंग मशीन ऑपरेटर आदि कई शॉर्ट टर्म कोर्स निशुल्क चलाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रवेश के लिए इच्छुक अभ्यर्थी दिनांक 30/6/2022 तक संस्थान में आकर पंजीकरण फॉर्म भर सकते हैं। इन कोर्सों के दौरान सभी प्रशिक्षणार्थियों को किताबें व टूल किट बैग संस्थान द्वारा HPKVN शिमला के सौजन्य से निशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी। ITI मंडी में हम HPKVN के माध्यम से हम शॉर्ट टर्म कोर्सेज शुरू कर रहे हैं। इनमें 13 कोर्सेज जो हैं उनके लिए एडमिशन शुरू कर रहे हैं और 30 जून तक कैंडिडेट्स जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। ये कोर्सेज जो हैं बिल्कुल निशुल्क हैं और HPKVN द्वारा जो हैं स्पॉन्सर्ड कोर्सेज हैं। इन कोर्सेज में मुख्यतः कंस्ट्रक्शन इलेक्ट्रीशियन, ICT टेक्नीशियन, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रीशियन, फूड एंड बेवरेजेज सर्विसेज, रूम अटेंडेंट, ऑटो सर्विसेज टेक्नीशियन लेवल 4, फील्ड टेक्नीशियन, एयर कंडीशनर, डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर, सेल्फ एम्प्लॉयड टेलर, स्विंग मशीन ऑपरेटर, टंगस्टन इनर्ट गैस बेल्डर एंड CNC सेटर कम ऑपरेटर जो हैं, ये बहुत ही जो अच्छे कोर्सेज हैं। इनकी जो अवधि है वो 300 घंटों से लेके 636 घंटे तक है और इसमें 10th पास कैंडिडेट जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो ITI पासड आउट कैंडिडेट्स हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं और जो 10th, 12th, 8th वाले जो हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि कुछ कोर्सेज जो हैं जिनकी क्वालिफिकेशन 8th पास है वो भी यहाँ कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इन कैंडिडेट्स को यहाँ से हम फ्री बुक्स देंगे तथा टूल बैग देंगे, एक बैग देंगे तथा स्टेशनरी आइटम्स भी इनको बिल्कुल टोटल फ्री देंगे, क्योंकि ये HPKVN जो है। तो आज के मॉर्निंग न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। जरूर देखें 2 बजे आज दोपहर हिमाचल।